अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। बीजेपी नेता अखिलेश चौबे ने मीरा भाईंदर का दौरा किया, जहां पे वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मीरा भाईंदर के रवि व्यास, नवीन सिंह व कई पदाधिकारियों से मुलाकात उन्होंने किया। आइए बात करते हैं क्या विषय है जिस कारण उन्होंने मीरा भाईंदर का दौरा किया है। एक तो नवीन सिंह जी का आग्रह था कि इनके कार्यालय पर मैं भेंट दूँ महाराष्ट्र सचिव होने के बाद, तो वो एक महत्वपूर्ण कारण था जिसके कारण मैं यहाँ आया था। और दूसरी बात है कि मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी में जो भी कुछ चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उसको सीमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि कॉरपोरेशन के इलेक्शंस नज़दीक हैं और जिस जनता ने इतने प्यार से भारतीय जनता पार्टी को महापौर पद पर बिठाया था, मैं चाहता हूँ कि जनता की जो इच्छा थी उसका सम्मान हो और आने वाले समय में और भी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए। आज हमारे प्रभारी मीरा भाईंदर के और विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी सवेरे एक कार्यक्रम में आए हुए थे। आने वाले 5-7 दिनों में जो है मीरा भाईंदर में एक बृहद दौरा और कार्यक्रम का आयोजन होना है। एक ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड लेवल पे तैयारी करने की भी इच्छा थी हमारी, तो जानना कि मीरा भाईंदर में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, उस हेतु से नवीन सिंह जी के कार्यालय में आया हूँ। और यहाँ के मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी और सारे लोगों से मुलाकात कर भारतीय जनता पार्टी की आगे की प्लानिंग के बारे में चर्चा हो रही है। और ज़्यादा संख्या में आपको बताऊँ, और भी ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक चुन के आएंगे। देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी इज़ अ पार्टी विद डिफरेंस। ये जो कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना है यहाँ पर, और इस पार्टी में व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता है। इस पार्टी में कुर्सी का अस्तित्व होता है, कुर्सी का महत्व होता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने रवि व्यास जी को जिला अध्यक्ष बनाया है, तो जो भी आदमी मीरा भाईंदर में कमल लेके चल रहा है उसका जिला अध्यक्ष, उनका जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी ही है। माने या ना माने, आप सूर्य को सूर्य की जगह चाँद कहो तो भी वो सूर्य ही रहेगा, तो वो मानने और न मानने की बात नहीं है। पार्टी ने जिस दिन उनको पत्र दे दिया उस दिन यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के जिला अध्यक्ष वो हो गए। इसमें मानने और न मानने वाली कोई बात ही नहीं है। उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में जो है दूध में चीनी की तरह घुले मिले हुए हैं, और मीरा भाईंदर में तो एक तरह से मीरा भाईंदर को कॉस्मोपोलिटन ही कहा जाता है, क्योंकि इसका जन्म ही एक प्लांट उस पर हुआ है, प्राप्त हुई है। इसमें सभी लोगों का सहयोग है, सभी लोग इसमें सारे जात पात धर्म विशेष के लोग यहाँ पर हैं, और एक खूबसूरत सिटी के रूप में इसका उदय हुआ है। मैं चाहता हूँ आने वाले समय में इस सिटी को और भी बड़ा, जिसको सैटेलाइट सिटी कहा जाता है, प्लांट सिटी कहा जाता है, उस रूप में इसको पहचाना जाए। और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर और भी समुचित विकास होगा करेगी। और ये रवि व्यास जी का नारा नहीं है, ये नारा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी का है। इसलिए 100% ये रिजल्ट आपके सामने होगा और पार्टी 80 पार करेगी। देखिए, दो चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा हुआ है, आज जो लाउड स्पीकर बज रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कंप्लेन नहीं हो रही है, एक कॉस्मो सिटी के रूप में लोग एक दूसरे को समझ के ले रहे हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस चीज़ को समझें, खास करके जो मौलवी हैं, जो उसके मस्जिद के जो सो कॉल्ड मौलवी और मुल्ला है, वो इस चीज़ को समझें कि समाज में तकरार किस कारण से हो रहा है। आप जब रूल को डिफाई करोगे तो तकरार होगी, और तकरार होगी तो उसका नुकसान हमेशा अनऑथराइज चीज़ों को होता है, चाहे वो अनऑथराइज लाउड स्पीकर हो, चाहे वो अनऑथराइज स्ट्रक्चर हो। और फॉर्चुनेटली उनका स्ट्रक्चर भी अनऑथराइज है और लाउड स्पीकर भी अनऑथराइज है, तो कहीं ना कहीं उनको इस संदेश को समझना चाहिए। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया हुआ है, इसलिए इसको मानकर उनको जो लाउड स्पीकर है वहाँ से उतार देना चाहिए, या तो उसकी आवाज़ जो 50 डिसिबल के अंदर है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके अंदर रखना चाहिए। देखिए, आज आदरणीय महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद के प्रवीण बाबू दरेकर आज हमारे माननीय महापौर श्री ज्योत्सना ताई हसनाले इनके आग्रह पर एक महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रवेश द्वार इस उद्घाटन के कार्यक्रम में आज उपस्थित थे। तो हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नगर सेवक, नगर सेविका सभी लोग आज इस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय प्रवीण भाव का स्वागत करने के लिए उपस्थित थे।
और मंच पर रहने की बात हो तो सभी नगर सेवक और जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी है सभी लोग उस कार्यक्रम में आए थे और हम सभी लोग पार्टी के साथ में हैं। पहला कदम और आखिरी कदम में कोई बात नहीं होती है, जहां पार्टी का आदेश होता है वो आदेश मुझ जैसे कार्यकर्ता के लिए अंतिम आदेश होता है और जो भी हमारी पार्टी का आदेश होता है उसे हम फॉलो करते हैं, उसे हम मानते हैं और संगठन सर्वोपरि की भावना को अपने मन में रख कर, पार्टी के संस्कार को अपने मन में रखकर, जिस तरीके से हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और द्वितीय पक्ष है और आखिर में स्वतः हम हैं, तो हम हमारी जो बात है उसे हम लोग कभी भी मायने नहीं रखते। पार्टी के हित में जो होगा, शहर के हित में जो होगा, राष्ट्र के जो हित में होगा, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। मैं मीरा भाईंदर शहर के समस्त शहरवासियों को आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की शुभकामनाएँ देता हूँ और आज हमारे महावीर स्वामी जी की भी जन्म जयंती है, जन कल्याण दिवस है। मैं शहरवासियों को इन दोनों महामानव की और हमारे जो महापुरुष थे, जो भगवान थे, महावीर भगवान, उनकी जन्म जयंती की शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं ये विनंती करूँगा कि जो इन महापुरुषों की जो जयंती होती है, इस जयंती को सिर्फ मनाने के अलावा जो इन्होंने उपदेश दी है, जो इन्होंने हमें सीख दी है, उस सीख को, उन उपदेश को, उनके सिखाए हुए मार्ग को अगर हम अपने जीवन के अंदर उतारे और कहीं ना कहीं उसके अनुसार अगर हम हमारा जीवन व्यतीत करें तो कहीं ना कहीं हमारा जो सपना है एक अखंड भारत का या फिर भारत को महाशक्ति बनाने का, वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। नमस्कार। ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं था, जब से इनको पद बीजेपी में प्रवेश किए, महाराष्ट्र सचिव के पद मिला, तब से हम लोग इनसे टाइम ले रहे थे कि सर मेरे ऑफिस में स्वागत करने का एक टाइम दे। एक दिन पहले जो प्रोग्राम था उसमें आए, बहुत बिजी शेड्यूल था, बोले कि भैया 6 बजे आज मैं आऊँगा। इसी तरह से यहाँ पर एक स्वागत समारोह मैं उनको रखा था। क्या लगता है आपको पद नियुक्ति होने के बाद मीरा भाईंदर शहर में उत्साह का वातावरण और पैदा होगा क्या? देखिए, हमारे सुरेश सिंह जी को उत्तर भारतीयों का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, ये भी चौबे जी उत्तर भारतीय हैं, प्रदेश सचिव बने हैं और हमारे विरोधी पक्ष नेते विधान परिषद के देवेंद्र जी को मीरा भाईंदर पालघर का इंचार्ज बनाया गया है। तो इन लोग के एक ताकत, इनको आने से हमारे मीरा भाईंदर के बीजेपी में एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। देखिए, एक संकेत है और बीजेपी जो है एक, आपको एग्जांपल देता हूँ, मधुमक्खी का छत्ता के जैसा है, सब एक ही परिवार से है, एक छज्जे के नीचे सारे संगठन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, चाहे मेहता जी हो या रवि व्यास जी हो। तो प्रदेश से जो आदेश दिया गया है उनको दोनों को पालन करना होगा और कर रहे हैं, हम लोग एक ही हैं। आप जिस तरह से मधुमक्खी को छज्जा पे एक पत्थर मारते हैं और सारे मधुमक्खी उस विरोधी को काटता है, ठीक उसी प्रकार से अगर विरोधी को अगर दिमाग में ए है कि नहीं बीजेपी संगठन दो हो गया है, नहीं, संगठन एक है, अगर विरोधी हमला करेंगे तो हम लोग एक साथ मिलकर विरोधी पे हावी होंगे। तो ये सोचे नहीं कि बीजेपी दो भाग में बटा जा रहा है। ओके, मनसे के प्रमुख राज ठाकरे जी ने जो मुद्दा उठाया है उस मुद्दे को अभी कुछ देर पहले अखिलेश जी ने समर्थन दिया था, आपका क्या कहना है? देखिए, ये 100% सारे बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थन में हैं। जिस तरह से मस्जिदों पर माइक लगाकर डिस्टर्ब किया जाता है, पूजा हर जगह लोग होता है, मंदिर में होता है, ये नहीं कि हम पूजा कर रहे हैं लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सुबह 6 बजे, दोपहर में, शाम को SSC के एग्जाम चलता है, मैट्रिक का एग्जाम, अनेक प्रकार को होता है, डिस्टर्बेंस होता है। तो राज हमारे माननीय राज साहब ठाकरे जो आह्वान किए हैं वो हर रूप में उनका समर्थन देंगे, वो माइक उतरना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो जिस तरह से गली गली में माइक लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ, वो यहाँ भी लगाया जाएगा, मीरा भाईंदर में ही लगाया जाएगा। आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, कैसे शुभकामना दोगे? लेकिन भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे पहले अभिनंदन नमन करता हूँ। आज जो संविधान बना के गए हैं वो हमारे देश के शिल्पकार, हमारे संविधान के रचयिता, जिस तरह से संविधान बनाए हैं, सारे भारतवासियों को, मीरा भाईंदर वासियों को हम कहते हैं कि उनके बनाया हुआ संविधान के अनुसार अपना नियम पालन करें तो हमारा पूरा देश का विकास होगा और जन जन का विकास होगा।
जैसे कि आपने देखा बीजेपी नेता अखिलेश चौबे ने भी स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में बटी पड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा ये जो मसला है, जो मनमुटाव है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाएगा। और उन्होंने एक बात कही है कि मीरा भाईंदर का रवि व्यास के नेतृत्व में ही अगला चुनाव जो आने वाला है मनपा का, वो लड़ा जाएगा। जो भी आमन मुटाव हैं वो जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। और उन्होंने एक बात कही, राज ठाकरे ने जो कुछ दिन पहले एक भाषण दिया था लाउड स्पीकर के ऊपर, उन्होंने उसका समर्थन किया है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि रवि व्यास के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो दो गुटों में बटी पड़ी है वो एक हो पाती है या नहीं। बाउंड्री इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।